प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौड़े, एक बार आप सभी मित्रों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन होता है। हर राशि के लिए जून मास का राशिफल बताने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम अगली राशि यानी मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों को लाभ हो उसके लिए शेयर भी करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मित्रों, आप अपना भविष्यफल लग्न राशि के हिसाब से देख सकते हैं अथवा चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं, और लग्न और चंद्र राशि दोनों ही नहीं पता है आपको तो नाम राशि से भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा मिलेगा ही। देखिए, मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं करता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ, जो सच है वो बताता हूँ। आपको खुश करने के लिए आप जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, तो मैं मीठी मीठी बातें अच्छी अच्छी बात करता हूँ, नहीं, जो सच है वही सामने आएगा। तो अब हम मिथुन राशि के लिए जून माह 2022 का भविष्य बताने के लिए ग्रह गोचर पर विचार करते हैं। ग्रह गोचर और ग्रह परिवर्तन, देखिए केतु तो फिफ्थ हाउस में तुला राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य 15 जून को मिथुन राशि फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, इससे पूर्व बुध के साथ 12th हाउस में थे, शुक्र 18 जून को राहु का साथ छोड़कर 11th हाउस से 12th हाउस में आ जाएंगे, मंगल 27 जून को बृहस्पति की मीन राशि 10th हाउस को छोड़कर 11th हाउस में राहु के पास पहुंच जाएंगे। ये तो तीन ग्रह परिवर्तन होंगे, 15 जून को, 18 जून को, 27 जून, बाकी तो सब जैसा था वैसे ही रहेगा कि दसम स्थान में मीन लग्न में बृहस्पति जी विराजमान हैं, नवम स्थान में भाग्य में कुंभ राशि में शनि विराजमान हैं, ऐसे ही मेष राशि में मेष लग्न में बारहवें स्थान में राहु विराजमान हैं, और शुक्र हैं, शुक्र निकल के आगे चले गए दोवें नंबर में, और दसवें स्थान से मंगल 27 जून को राहु के पास पहुँच जाएंगे पहले भाव। तो ये सब गोचर रहा। मित्रों, मिथुन राशि के लग्न अधिपति बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठे हैं। बुध याद रखिए चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, कन्या राशि है वहां पे भी। सूर्य बुध का यह योग विदेश से लाभ, विदेश में किए गए कार्य से लाभ दिलाएगा, विदेशी यात्राएं भी संभव हैं, बुद्धि विचार से संबंधित कार्य में विदेश में फायदा ही फायदा है। बुध की यह स्थिति लग्न भाव को और चतुर्थ भाव को बलवान बना रही है। भूमि भवन का क्रय विक्रय करते समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, किसी और की बात मत सुनिए, अपनी बुद्धि के अनुसार कीजिए, और लाभ व्यापार में लाभ ही लाभ है। फिर 15 जून को जब सूर्य 12th हाउस छोड़कर लग्न में बुद्ध के घर में आ जाएंगे तो शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएंगे, लेकिन वाणी में थोड़ा प्रखरता आ जाएगी। फिफ्थ हाउस के केतु शिक्षा में रुकावट, विरक्ति, आलस्य उत्पन्न करेंगे, लेकिन राहु और शुक्र की दृष्टि केतु के द्वारा किए जाने वाले नुकसानों की भरपाई कर देगी। क्यों, राहु क्या है एक्सपेंशन विस्तारवाद, केतु क्या है संकुचन विरक्ति बिलगाव अलगाव। 18 जून को शुक्र का अपनी राशि वृषभ में बुध के पास आ जाना बहुत अच्छा है,
शुक्र की अपनी राशि में बुध का स्थान विदेश से अच्छी आमदनी कराएगा। लाभकारी विदेशी यात्राएं भी होंगी मित्रों। अष्टम भाव पर दृष्टि भी लाभकारी रहेगी। शत्रु और ऋण नाश होगा। जो कुछ आपने पैसा उधार उधार लिया वो सब चुक जाएगा। अन्य स्रोतों से भी धन की प्राप्ति होगी। मीन राशि में मीन राशि में बैठे हुए टेंथ हाउस में बृहस्पति भूमि पुत्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। हाँ, मीन राशि से बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति मीन राशि में कर्म स्थान में, वहाँ से सीधी दृष्टि सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में। तो राशि स्वामी बुध की स्थिति भी अच्छी है, कर्म स्थान के बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और दृष्टि दोनों ही मिथुन राशि को बहुत कुछ दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन सुख नौकरी में प्रोन्नति या नवीन नौकरी सब कुछ दे रहे हैं। व्यापार में अत्यंत अत्यधिक उन्नति, पार्टनर्स का पूरा सहयोग, क्या नहीं है जो मिथुन राशि को नहीं मिल रहा। भाई सब कुछ तो मिल रहा है। मेरे हिसाब से मिथुन राशि जून की सबसे लाभकारी राशि लग रही है, क्योंकि भाग्य भाव में अति उच्च के शनि विराजमान हैं। शनि भी भाग्य को उठाकर आसमान पर ले जाएंगे, चाहे धीमे धीमे ही सही, पर मिथुन लग्न राशि वालों को बृहस्पति देव और शनि देव की अपार कृपा मिल रही है। बुध और शुक्र का वृषभ राशि में बैठना भी बहुत ही अच्छा है। तो क्या चाहिए, बृहस्पति शनि बुध शुक्र सब कुछ तो आपको धनी धन प्रदान कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों की बल्ले ही बल्ले हो रही है मित्रों। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे अगली राशि पर। मित्रों कल अगली राशि का देखेंगे। तो नमस्कार।